हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, आज है लक्ष्मी पूजा, तो मैं बर्तन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पूजा का सामान चाहिए। तो ये सब सामान निकाल के उसे धो रही थी और मैं चली गई चूल्हा लाने, खिचड़ी बनाना है। तो मैं और भाई चले गए भाड़ा में चूल्हा लाने। और ये हम लोग, आप मुझे ये क्यूट सी डॉग को देखे, हम लोग को देखे भोग रहे थे, न्यू हम लोग गए थे इसलिए। और ये, और हम लोग चूल्हा भी लेके आ चुके थे और मम्मी स्टार्ट कर चुकी है खिचड़ी बनाने के लिए। ये दाल भाज रहे थे और ये चूल्हा लेके आए थे हम लोग, क्योंकि बहुत सारा खिचड़ी बनाने हैं, छोटा चूल्हा से नहीं होगा, तो भाड़ा से लेके आए थे। और ये सब्जी काट रहे थे बहन, मौसी और माँ, क्योंकि रात को पूजा है तो दिन से स्टार्ट कर रहे काटने के लिए। तो ये सब काट रहे थे सब्जियाँ। सब लोग अपने अपने काम में बिजी है क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। और व्रत भी था मेरा और मम्मी का, और मौसी भी व्रत रखा था। तो ये सामान खिचड़ी का सामान है, मैंने सब सीजल करके रख दिया। और सब्जी काटना भी हो चुका था, तो ये मम्मी धो रहे थे सब्जियाँ। माँ सब्जी धो रहे थे और मैं चली गई केला का पत्ता लाने, क्योंकि केला का पत्ता भी चाहिए पूजा में। और यहाँ पापा टेस्टिंग कर रहे थे चूल्हा का, क्योंकि ये बड़ा चूल्हा था तो ये सब पापा ये जानते अच्छा से। तो ये पापा टेस्टिंग करके काम में चले गए और माँ स्टार्ट कर चुकी है अभी बनाने के लिए, क्योंकि मेहमान आ जाने से बनाना नहीं होगा। तो अच्छा से जल्दी जल्दी बना लिया। और मैं ये सलाद काट रही थी क्योंकि अचार में ये गोभी देने अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है खाने। तो ये मैं काट रही, ऐसा पत्ता का गोभी काट के आप लोग मिक्सचर अचार में मिक्स करके खाइएगा, बहुत टेस्टी होता है। मैं एक साइड बिजी हूँ, एक तरफ मौसी यहाँ पे पान तामुल काट रहे थे, क्योंकि पान तामुल तो मैंने हमला किया, तो ये तरफ पान रेडी कर रहे थे मौसी। और मैं आलपना का लिए ये चाल भिजा के रखा था, ये मैं ग्राइंड करके लेके आऊँगी अभी। और एक साइड खिचड़ी भी ऑलमोस्ट पक रहा है और सब लोग बिजी अपने अपने काम में। मैं भी काम सम करके नहा चुकी है अभी और आलपना भी रेडी करूँगी बनाने के लिए। तो ये मैं ग्राइंड करके भी लेके आ गई चावल। और इस तरफ माँ ने माता जी को भी बैठा दिया है। हमारे घर पे हर साल लक्ष्मी पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे घर यहाँ कॉलोनी में सिर्फ हम लोग के बंगाली है, और माँ बाबा बहुत ही सुंदर से और बहुत ही मन से करते हैं लक्ष्मी पूजा। बट इस बार कुछ भी अच्छा से बना नहीं पाया लड्डू, क्योंकि लक्ष्मी पूजा में मेन नारियल के लड्डू है मेन है। तो इस बार थोड़ा थोड़ा बनाने हुआ क्योंकि टाइम नहीं मिला। और अभी मैं आलपना बना रही हूँ, इतना भी अच्छा से नहीं सकती हूँ बट ट्राई कर रही हूँ। तो ये आलपना मैं छोटी छोटी चीज़ बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। मैं आलपना बना रही हूँ और माँ पूजा के सामान ठीक कर रही है, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और 7:30 बजे पूजा भी स्टार्ट हो जाएगा। तो माँ जल्दी जल्दी कर रही है सब, क्योंकि 7:30 बजे तो पूजा स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे आलपना भी बनाना हो गया, थोड़ा थोड़ा बनाया है क्योंकि मुझे आता नहीं इतना अच्छा से। और यहाँ मैंने टेबल भी लगा दिया है, क्योंकि सभी लोग आएगा तो यहाँ पे बैठेगा, तो मैंने लगा भी दिया टेबल। और इधर छोटी मौसी लड्डू बना रही है क्योंकि माता जी को भोग लगाने हैं। यहाँ पे सब सजाया हुआ है, सब भोग लगाने के लिए सजा के रखा हुआ है, बट पूजा नहीं दिया, सिर्फ सजा के रखा हुआ है। और फिर मैंने घर पे भी थोड़ा दिया जला दिया है सभी तरफ, क्योंकि मतलब उजाला रहना चाहिए, तो मैंने दिया जला दिया है। सब तैयार करके रखा हुआ है, सिर्फ अभी पूजा करने बाकी है। और इधर दादी के घर पे भी सब तैयार करके रखा हुआ है, अभी सिर्फ 7:30 बजने के लिए रुका हुआ है सब लोग। और बाबा भी तैयार हो चुके हैं कुर्ता पहन के, और अभी शाम हो चुकी है और इधर मौसी धूप धुना दे रहे थे। अभी समय हो गया है पूजा का, तो अभी मौसी पूजा करेंगी। मौसी इधर पाचाली पढ़ रही है, क्योंकि मुझे आती नहीं इतनी अच्छी से बंगाली पढ़ना, और भैया को भी आता नहीं है, तो मौसी पढ़ रही है। और मौसी के साथ मैं बैठी हुई हूँ, सुन रही हूँ पाचाली। तो अभी पूजा भी कर रही है और मैं भी सुन रही हूँ। और हमारे भाई को देखिए, वो भी सुन रहा है पाचाली, मम्मी के साथ बैठा हुआ है।
पूजा खत्म होने के बाद बाबा पूजा कर रहे थे, धूप जला दे रहे थे। फिर आएंगे लोग और हमारे भाई को देखिए, वो लोग आ रहे थे तो देख रहे थे कौन कौन आया है। और पापा तो पूजा कर रहे थे और लोग भी आने शुरू हो गए। देखिए अभी खा रहे खिचड़ी और प्रसादी। हम लोग रात को ही पूजा कर रहे थे तो हम लोग गांव के सभी लोगों को बुला दिया था उस दिन को, क्योंकि पूजा के दिन में बुलाना अच्छा लगता है लोगों को। तो गांव के सभी लोग आ रहे थे तो मैंने क्लिप करके रखा था, थोड़ा थोड़ा करके रखा था क्योंकि कंटिन्यूस लोग आ रहे थे। तो ये देखिए खिचड़ी बनाया था। फिर मैं भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरा भी व्रत था, तो सब लोगों को देने के बाद मैंने भी खा लिया, टेस्टी बना था। मैं खा के डायरेक्ट सो गई क्योंकि टाइट फिट लग रहा था। फिर दूसरे दिन आई मेरी दो फ्रेंड, स्कूल की क्लासमेट थे ये दोनों, तो ये लोग आए थे क्योंकि लक्ष्मी पूजा में सभी लोगों के घर पे पूजा होती है। तो ये लोग दूसरे दिन आए थे तो खा पी के लोग चले गए घर पे। वो लोग जाने के बाद मुझे ये साइड साफ करना है आज, क्योंकि आज है कति भी हो तो पूजा करना है तुलसी माँ को। तो मैं ये साइड साफ करके नहा धोवा के शाम को मैं पूजा करूँगी। मेखला सदर भी निकाल लिया, अभी पहन के मैं फ्रूट्स काट रही हूँ क्योंकि चढ़ाना है, पूजा करना है ना। मेरा फ्रूट्स काटना भी हो गया, अभी मैं सब सामग्री ठीक करूँगी, दिया वगैरह सब। तो ये देखिए मेरा ठीक करना भी हो गया, अभी करूँगी मैं पूजा। चलिए तब देखिए अभी मेरा पूजा भी हो गया, अभी मैं सभी लोगों को प्रसादी दूंगी। तो किस किस ने घर पे पूजा की है काती बिहू, आसाम के लोग तो करते ही है काती बिहू में है। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और अच्छी अच्छी वीडियो दूंगी। तो लव यू ऑल, बाय बाय।